अस्सलाम वालेकुम मेरी ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज आपके बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है जो आपके बालों को स्मूथ करे, सिल्की करे, शाइन करे। और जो सर में जो आपके स्कल पे जो होती है इचिंग होती है, ये इचिंग के लिए है। ठीक है, आपने क्या करना है, ग्रीन टी ले लेनी, एक पैक ग्रीन टी का एक पैकेट छोटा वाला ले लेना है। और तकरीबन तकरीबन उसके अंदर आपने 3 से 4 चम्मच पानी के ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद 2 घंटे के लिए उसको भिगो लेना है। भिगोने के बाद फिर इस तरह से हो जाएगी। तो ये उसके ऊपर पानी डाल के एक बॉल में रख देना 3-4 चम्मच। ठीक है, फिर इस तरह से हो जाएगी। आपने क्या करना है, उसको खोल के उसी पानी के अंदर ग्रीन टी को ऐड कर देना है इस तरह से। इस तरह से ऐड करने के बाद फिर आपने, ये बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है जो आपके बालों के अंदर इचिंग होती है, स्कल्प पे ऊपर इचिंग होती है, ये आपकी इचिंग को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। तकरीबन मैंने 1 महीना अच्छे तरीके से इसको यूज़ करवाया है, किसी को यूज़ करवाने के बाद ख़ुद भी किया है, फिर मैं आपके पास ये रेमेडी लेकर आई हूँ। आपको पता है पहले मैं यूज़ करती हूँ, फिर मैं आपके पास रेमेडी को लेकर आती हूँ, दिखाती हूँ कि कैसे इसको यूज़ करना और किस तरह इसके और कैसे इसके फ़ायदे हैं। ठीक है, 1 अदद मैंने विटामिन वो ऐड किया है और 1 से 1.5 चम्मच मैंने ग्रीन टी का इसके अंदर वो ऐड किया है। ठीक है, और ये बहुत ही बालों के लिए इतनी ज़बरदस्त है। एक तो ये आपके बालों को ब्लैक करेगी, जो आपका जो कलर है ना, जो जिस तरह का आपका कलर है वो ही आपके कलर रहने देगी। अगर आपके बाल ब्राउन से हल्के गोल्डन से हैं वो इसी तरह रहने देगी, अगर काले हैं तो काले रहने देगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। ठीक है, आपने क्या करना है, अपने जड़ों में लगानी है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने तकरीबन तकरीबन 1 या 2 घंटे के लिए अपने आपने बालों में लगा लेनी, जड़ों के ऊपर। कोई सा भी आप तेल ले लें, बादाम का तेल ले लें, चाहे आप जैतून का तेल ले लें, आए चाहे सरसों का, कोई सा भी तेल ले लें। सरसों का तेल सबसे बेस्ट है, वो आप तकरीबन आधा चम्मच इसके अंदर, 1/2 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर लें। अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने इसको अपने बालों के ऊपर 1 या 2 घंटे के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद आपने शावर कैप डाल लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने हल्के हाथ से मसाज करने के बाद अच्छे शैम्पू से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपके बाल इतने ज़बरदस्त होंगे, मजबूत भी करता है, शाइन भी करता है, स्मूथ भी करता है, सिल्की भी करता है, लंबे भी करता है, सिकरी खुश्की ख़त्म करता है। इतनी ज़बरदस्त ये रेमेडी है। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।